अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि साइप्रस में आप लोगों ने किस बैंक में अकाउंट ओपन करवाना है, कौन सी करेंसी का अकाउंट ओपन करवाना है। तो इस तरह की डिटेल्स आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए साइप्रस में तीन करेंसीज चलती हैं। यहाँ पे जो घरों के रेंट होते हैं, फीसिस होती हैं, और नॉर्मल जो करेंसी होती है वो कौन सी है। सारी ईच एंड एवरीथिंग डिटेल मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और साथ साथ नीचे कमेंट भी जरूर करें। वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो कोशिश किया करें कि कमेंट भी ज़रूर किया करें आप मुझे। तो चले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चाहूँ कि साइप्रस में बेसिकली तीन करेंसीज हैं, डॉलर भी चलता है, लीरा भी है, टर्किश लीरा, और यूरो भी है। कोशिश आप लोगों ने करनी है जब भी अकाउंट यहाँ पे आप लोगों ने ओपन करवाना है, किसी अच्छे बैंक में करवाना है। अच्छे बैंक कौन से हैं? मोस्टली यहाँ पे तीन ही हैं, ज़िरात बैंक हो गया, ग्रांति बैंक हो गया, और तुर्की इश बैंक। अब ये तीन बैंकों की आप लोग पूछ रहे होंगे कि बिलाल भाई इनका मतलब बेनिफिट क्या है, हमें क्या मतलब बेनिफिट हो सकता है। ये मैं एज ए स्टूडेंट बात कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने आगे कहीं किसी दूसरी कंट्री में ट्रेवल करना है तो आपको इन्हीं बैंक की यहाँ पे स्टेटमेंट वगैरह शो करवानी पड़ेगी आगे की, इसी में आप लोगों की डेली ट्रांजेक्शन्स वगैरह हो रही हों, इसी में आपकी पैसे वगैरह हों। तो यही जो बैंक हैं इन्हीं की यहाँ से अगर आप लोगों ने किसी दूसरी कंट्री में अप्लाई के लिए अप्लाई करना है तो यही बैंक की स्टेटमेंट लगेगी। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता चाहूँ, ये जो तीन बैंक हैं इन तीन बैंकों की आप तीन अकाउंट ज़रूर ओपन करवाएं। डॉलर का सेपरेट है, यूरो का सेपरेट है, और टर्किश लीरा का सेपरेट है। बैंक एक ही होगा, अकाउंट एक ही होगा, ऐप होगी मोबाइल में, मोबाइल की ऐप से ही आप लोग ऑनलाइन तीन अपने अकाउंट बना सकते हैं। ओपन जब आप करवाएंगे तब टर्किश लीरा में ओपन करवाएं, उसके बाद आप ऑनलाइन ही ऐप के अंदर ही आप तीन अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। उसमें अब क्या बेनिफिट है? अब उसमें एक तो बेनिफिट मैंने आपको ये बता दिया कि आपने किसी दूसरी कंट्री में अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है इसका, आप क्योंकि आपकी डेली ट्रांजैक्शन होगी, उसके अंदर कैश होगा, और मिनिमम आप लोगों को किसी दूसरी कंट्री के लिए अगर अप्लाई करना है मिनिमम आपका जो अकाउंट बैलेंस है ना वो 2000 यूरो तक होना चाहिए, 2000 यूरो या 1600 यूरो तक किसी आपने दूसरी कंट्री में अप्लाई करना है, तो इतनी स्टेटमेंट आप लोगों ने बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है। अब मैं आप लोगों को बताता चाहूँगा, जब मोस्टली यहाँ पे जो घर रहे हैं वो यूरो में भी हैं, टर्किश लीरा में भी हैं, और डॉलर्स में भी हैं। अब आप लोगों ने ये करना है, आप लोगों ने जब भी आपके पास टर्किश लीरा आए, जब भी आप लोगों के पास सिर्फ टर्किश लीरा की बात कर रहा हूँ, टर्किश लीरा जब भी आप लोगों के पास आए कोशिश करें उसे फ़ौरन आप कन्वर्ट करवा लें यूरो में या डॉलर्स में। उसमें आप लोगों को क्या बेनिफिट होगा? उसमें आप लोगों को ये बेनिफिट होगा क्योंकि यूरो जो है वो प्राइसेस उसकी अप होती जा रही हैं यूरो और डॉलर्स की। आप लोग डॉलर्स में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, आप लोग यूरो में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें टर्किश लीरा में आप बिल्कुल भी अपना जो सेविंग है ना वो बिल्कुल भी ना रखें। आप जितने भी पैसे पड़े हैं, 500 TL पड़े हैं, 600 TL पड़े हैं, आप उसे फ़ौरन यूरो में या TL में कन्वर्ट करवा लें, और ये ऑनलाइन ही आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन ही आप रिटर्न कर सकते हैं। अब उसमें आप लोगों को ये भी बेनिफिट है, बेनिफिट भी है, और ये भी एक है आप लोगों का मतलब साइप्रस में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे मोस्टली लोग कैश ज़्यादा कैश यूज़ नहीं करते, जितनी भी यहाँ पे ट्रांजैक्शंस होती हैं सारी कार्ड से होती हैं, तो इसलिए आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस चीज़ से होगा। और इवन मुझे भी मतलब उसमें ये होता है कि अगर आप लोगों का खुद सोचें 24.50 आप लोगों ने पे करना है, आप लोगों के पास अगर 50 कुछ नहीं है, 50 कुछ की बात करूँगा, तो इस तरह मतलब छोटी छोटी चीज़ों में आप लोगों की बहुत ज़्यादा सेविंग हो सकती है, और ये बहुत एक अच्छी मतलब चीज़ है। आप लोग ज़रूर साइप्रस में जब भी आए अपना बैंक जो है वो बहुत अच्छा
ओपन करवाएं, किसी भी ऐसे लोकल बैंक में अपना अकाउंट मत ओपन करवाएं जिसका आपको साल डेढ़ साल बाद जाके आप लोगों को पछतावा हो कि यार मैंने क्यों इस बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाया। तो काइंडली इस चीज़ को मेक श्योर करें कि जब भी आप लोग साइप्रस में आएँ एक अच्छे बैंक में ही अपना अकाउंट ओपन करवाएं। और इसके अलावा बैंक में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जो वर्क वीज़ा वालों की हैं उनके तो ऑफकोर्स इजीली ओपन हो जाते हैं, लेकिन जो दूसरे हैं स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं। ये जो बैंक हैं ज़िरात हो गया, ग्रांति, ये जो अच्छे बैंक हैं इनकी रिक्वायरमेंट ये है कि मोस्टली ये डिपॉजिट रखते हैं, लेकिन आप कोशिश करके डिपॉजिट रख के भी उस अच्छे बैंक में ही अपना अकाउंट ओपन करवाएं। आप किसी भी कंट्री में मूव करेंगे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इस चीज़ का, मैं आप लोगों को बताता जाऊँ। तो बैंक की जो जो डिटेल्स हैं, बैंक किस तरह, मतलब बैंक में कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी है, अकाउंट कैसे ओपन करवाना है, उसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है तो ठीक है, अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे देता हूँ, तो आप वो वीडियो जाके देखें, उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाउ टू क्रिएट अ बैंक अकाउंट इन साइप्रस। उसमें सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल जाएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं अकाउंट ओपन करवाने के लिए और कौन कौन से चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये मेरी आज की बस वीडियो थी, क्योंकि अभी फिर यूरो जो है वो 18 का हो गया हुआ है, अभी पिछले दिनों में 16 का था, अब फिर 18 का हो गया हुआ है। डॉलर भी इस तरह मतलब काफ़ी ज़्यादा, ये टर्किश लीरा की बात कर रहा हूँ, यानी कि 18 टर्किश लीरा होंगे तो 1 यूरो बनेगा और 17 टर्किश लीरा होंगे तो 1 डॉलर बनेगा। तो इस तरह करेंसी अप एंड डाउन होती रहती है, डाउन तो नहीं होती अप ही होती है, तो बेस्ट यही है कि आप लोग तीनों अकाउंट ओपन करवाएं। बिलाल भाई को डेढ़ सेट दुआ में याद रखिएगा, और नेक्स्ट किसी और अच्छी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।